हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल की चार बार की चैंपियन और डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस के लिए यहां पर आईपीएल 2020 के स्टार्ट होने से पहले तीन काफ़ी बड़ी अच्छी खबरें आई हैं, जो कि आईपीएल 2020 में इनके कैंपेन से पहले इनके लिए एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ बनकर सामने आ सकती हैं। तो क्या है ये बड़ी अपडेट्स, यही सब बातें मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा बिल्कुल लास्ट तक, और उसके साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं अपनी अपडेट नंबर वन की तरफ, और ये यहां पर आ रही है हार्दिक पांड्या से। अब हार्दिक पांड्या की बैक इंजरी के इश्यूज लगातार सामने आ रहे थे, जहां पर वो पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे। उसके बाद ये बोला जा रहा था कि हार्दिक पांड्या हो सकता है आईपीएल के इनिशियल फेजेस को मिस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रिकवरी के ऊपर यहां पर कोई भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आ पा रही थी बीसीसीआई के साइड से, और बीसीसीआई को खुद भी नहीं पता था कि हार्दिक पांड्या को यहां पर कितना टाइम लग जाएगा फील्ड के ऊपर आने से। तो इसी बारे में हार्दिक पांड्या अब एनसीए में वापस पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग करने के लिए, एनसीए जो कि बेंगलोर में होता है, और वहां पर आपकी रिकवरी कराई जाती है आपके प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू। और गाइस, वहां पर अब फाइनल रिपोर्ट्स आ रही है कि हार्दिक पांड्या की रिकवरी जिस तरह से प्रोसीड हो रही है उसको देखते हुए ये बात लगभग कंफर्म हो चुकी है कि आईपीएल से पहले पहले वो पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। ये बात मैं आपको पहले भी चैनल के ऊपर बता चुका हूं कि हार्दिक पांड्या ऑलमोस्ट यहां पर थोड़ा बहुत ही मतलब क्लोज केस उनका रहेगा, अगर वो मिस करते भी तो भी यहां पर बहुत ज्यादा मैचेस को मिस नहीं करते। लेकिन अब फाइनली काफी अच्छी न्यूज आ रही है कि ऑलमोस्ट वो यहां पर फिट हो जाएंगे आईपीएल से पहले, और एक भी मैच वो मुंबई इंडियंस की ओर से हमें मिस करते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हमारी अपडेट नंबर टू की तरफ, जो कि यहां पर एक माइलस्टोन मुंबई इंडियंस की टीम स्थापित कर चुकी है। और ये माइलस्टोन क्या है, ये माइलस्टोन है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्पॉन्सरशिप वैल्यू का। अब गाइज, यहां पर टीम इंडिया में कई सारी लीग्स होती है, आपको पता होगा, क्रिकेट की लीग होती है, फुटबॉल की लीग होती है, हॉकी की भी इवन लीग होती है, तो उनमें यहां पर मुंबई इंडियंस का क्रेज सबसे ज्यादा है। ये बात एक बार फिर से प्रूफ हो चुकी है, और ये बात प्रूफ हुई है यहां पर स्पॉन्सरशिप वैल्यू से, जो कि आप जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं उससे आपका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका एक स्टैट्स लिया जाता है, और उसके आधार पर मुंबई इंडियंस के जो स्टैट्स आए हैं वो 100 करोड़ रुपए के ऊपर जा चुके हैं, यानी कि इनकी स्पॉन्सरशिप वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। और ऐसा करने वाली मुंबई इंडियंस यहां पर नंबर वन टीम बन चुकी है आज तक के इतिहास में। ऐसी कोई भी टीम नहीं रही जिसने यहां पर 100 करोड़ से ज्यादा की स्पॉन्सरशिप वैल्यू कमाई हो, तो अपने आप में काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि मुंबई इंडियंस यहां पर एक बड़ी ब्रांड के रूप में सामने आ रही है। बात करते हैं हमारी तीसरी बड़ी अपडेट की, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए जुड़ी है आईपीएल डेट्स की वजह से। अब गाइस, चैनल के ऊपर आपको लगातार अपडेट्स मिल रही हैं कि किस तरह से आईपीएल के शेड्यूल में देरी हो रही है। वहां पर उसका एक रीजन है कि बायलेटरल सीरीज यहां पर हमें देखने को मिलने वाली है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, और यहां पर इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। तो यहां पर मुंबई इंडियंस को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आईपीएल 29 तारीख से स्टार्ट हो या फिर आईपीएल के जो रूमर्स आ रहे हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें स्टार्ट होते हुए दिख सकता है, चाहे वो तब स्टार्ट हो। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा 29 से स्टार्ट होने पे भी और उस वीक से स्टार्ट होने पे भी, क्योंकि इनका टीम मैनेजमेंट इस तरह के डिसीजन लेके टीम बनाई है इन्होंने कि इनको यहाँ पर उन प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, इनकी बैलेंस टीम पहले से ही है। तो मुंबई इंडियंस यहाँ पर इंटैक्ट रहने वाली है इन सारे डिसीजंस के बाद भी। तो वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से मुंबई इंडियंस के कितने % चांस है आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के। तो मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।